मुरली में वो कहा था, अपने संपर्क में अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर निगाह डालो, अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर अमृत वेले निगाह डालो। कैसे निगाह डालो, क्या करेंगे? हाँ जी, ठीक है, क्या करें फिर उनका आमन करें? जो हमसे गलती हुई है उनसे माफी मांग रहे हैं, जो हमसे हुई है उनको क्षमा करें। अभी जो समय चल रहा है ना, अभी महाभारी महाभारत का समय चल रहा है, महाभारी महाभारत का समय चल रहा है, जिनके साथ हमारे रिश्ते बड़े घनिष्ठ थे, अच्छे थे, उनके साथ भी कुछ ना कुछ जाने अनजाने, चाहते ना चाहते कुछ ना कुछ खींचातानी हो जाता है। ऐसा है कि नहीं कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता रहता है? होता है ना, ऐसा होता है। तो अमृत वेले जब आप योग कर देंगे तो इसके बाद आपने एक काम कर, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के बच्चे, अपने युगल, जो भी आपके संपर्क में आते, जो ऑफिस में काम, उनको आत्माएं देखो, उनको आत्मा रूप में देखो, बाबा से सुख और शांति पवित्रता की किरणें लेकर उन आत्माओं को रोज दो, रोज दो बिना नांगा, आपके काम आएगी ये चीज। क्योंकि हमारी सफलता के रास्ते में हम योग करना चाहते हैं, घर वाले टांग खींचते हैं, हम योग करना चाहते, मेरे साथ ऐसा नहीं है क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, उस बात का प्रूफ है। वैसे देखो, हम कुछ करना चाहते हैं, माना पड़ोसी ही है, तंग करना शुरू कर दे, आप क्या करो? फिर दिमाग में आप याद करोगे शिव बाबा को, याद आएगा पड़ोसी या रिश्तेदार, ऐसा होता है। तो ऐसी आत्माओं, बाप से दृष्टि लो और ऐसी आत्माओं को रोज दृष्टि दो, रोज दो। जो सेंटर पे टीचर बहने हैं उनके सब हिसाब किताब है हमारे भाई बहनों के साथ, वो भाई बहनों को ही मर्ज कर, उनकी शक्ति ज़्यादा होगी तो वो उनको दे। उसके बाद जो भी संपर्क में आने वाली आत्मा उनको आप दो। अगर आप 15 मिनट अपने बच्चे, अपने युगल, अपने परिवार वालों को इकट्ठा देख लो आत्मा रूप और सबको दृष्टि दो, 15 मिनट अगर आप रोज ये काम करें, आपकी आधी जो पारिवारिक समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, आधी पारिवारिक समस्याएं खत्म हो। तो ये जो बात बताए, इसका टॉपिक क्या बताए, बाबा की किस बात के ऊपर बताए? अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं को अमृत वेले, अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं को इमर्ज करो, बाप से दृष्टि लो और उन आत्माओं को दृष्टि लो। कुछ नहीं करना है, बैठे रहो ऐसे ही। सूक्ष्म वतन में जाने की जरूरत नहीं है, मूल वतन में जाने की जरूरत नहीं है, जिस कुर्सी पे बैठे हो वहाँ बैठे रहो। बाप दादा को, बाबा को ऊपर से देखो, शिव बाबा पवित्रता और सुख का सागर, ज्योति बिंदु, और इस पवित्रता और सुख के सागर से पवित्रता और सुख की शक्ति आ रही है, और ये जो भी मेरे संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं इनको ये पवित्रता और सुख की शक्ति जाए। ठीक है, अपने हाथों से, अपने नयनों से, बस एक संकल्प करना, आपने और कुछ भी नहीं, ऐसे उनको देते चलो रोज। अगर 15 मिनट करें, अब हर बात का अभ्यास, जब बाद में कभी मौका लगेगा तो कराते रहेंगे, लेकिन ये आसान सा अभ्यास, तो आप उनको जब रोज ये करेंगे तो हिसाब किताब चुप्पी होना शुरू होगी। कहीं ना कहीं देखो, एक बात हमको याद रखनी है माता जी, एक बात याद रखनी,
कुछ भी अकारण नहीं हो रहा, कुछ भी अकारण नहीं हो रहा। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। अब कोई कारण है तो उसका निवारण कौन करेगा? कहीं ना कहीं मैं कारण रहा हूँ तो निवारण भी मुझे करना पड़ेगा ना, तो मुझे करना। और एक बाबा के और महावाक्य आप नोट कर लेना, आपके काम आ जाए। देने वाले के आगे सब झुक जाते। ये कभी बाबा ने किसी अव्यक्त वाणी में बोला है कि देने वाले के आगे सब झुक जाते। अगर आप दाता बनोगे तो सब आपको नमन करें। नमन करने का मतलब ये नहीं कि आपके आगे दंडवत प्रणाम करेंगे, लेकिन आपके साथ उनके संबंध जो है मधुर होते चले, आपको वो मानना शुरू करें। कम से कम आपके बारे में अगर अच्छा अच्छा भी कहना शुरू कर देते हैं, अच्छा अच्छा हार पहनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा कहना भी शुरू कर देते हैं, तो समझो कि आपकी जीत शुरू हो गई। अगर कोई आपको अच्छा अच्छा कहना शुरू कर, ये अच्छे वही, ये तो अच्छे ठीक है, थोड़ा मोड़ा तो चलता लेकिन ये अच्छे, तो समझो कि आपकी जीत चालू हो ठीक है। उसके साथ अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं, जो भी घर की ड्यूटीज़ हैं, उनको कोई ऐसी कोताही ना करो कि आप यहाँ योग भट्टी कर दो घर में खाना ना बनाओ, ऐसा काम नहीं। वैसे तो आप सब लोग समझदार हो, इस पर ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, आप सभी समझदार हो। कभी कभार किसी एक आध के साथ में ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है तो वो फिर डिससर्विस हो जाता है। अपनी घर की ड्यूटीज़ को पहले से बेहतर करो, पहले से बेहतर करो, पहले से अच्छा करते हो। अगर मैं अपना कहूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी काम है घर का, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे घर याद नहीं, मैं घर के जितने भी काम हैं सब मुझे पर्सनली करने पड़ते हैं और मैं सब करके आता हूँ सब। आलू टमाटर ये सब, सच्ची बात है, मतलब इसमें मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती। मुझे पहले आता नहीं था जब तक मेरी माँ थी, अब उसके बाद मुझे सब आलू टमाटर का सबका भाव पता चल गया है, तो अच्छा है। इसी बहाने थोड़ा सा एक काम हमने और करना है, काम तो बहुत सारे हैं, क्या क्या करूँ। चलो एक छोटी सी बात सुनो, जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोग जब खाना खाते हैं तो कुनकुने पानी में कटे हुए नींबू के टुकड़े डाल देते हैं, जिससे वो अपने, क्योंकि वो उल्टा सीधा खाते हैं ना, उनके सब नखूनों शकूनों में भर जाता है, वो फिर उसको ऐसे साफ कर लेते हैं उसी पानी में। इंग्लैंड की महारानी ने माता जी को उठा दी, नहीं नहीं आगे वाली, आपसे आगे कोई बात नहीं, हम बातें इतनी मीठी बोलते नहीं रह जाती है। इंग्लैंड की महारानी ने अफ्रीका के किसी प्रेसिडेंट को बुलाया, और खाने के बाद वो कुनकुना पानी और उसमें नींबू के कटे हुए टुकड़े वो पेश कर। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि वो जो अफ्रीका का था प्रेसिडेंट, उसने उसको निचोड़ा पानी, नींबू को अच्छी तरीके से अब देखो आप एक बात सुनो, अब है तो ये हंसने की बात, वहाँ भी ऐसे सभी लोग बैठे हुए थे, सभी लोग हंस सकते थे। अब सभी लोग महारानी की तरफ देखने लगे, ब्रिटेन की महारानी। देखो ये रॉयल्टी, देखो उसकी, ब्रिटेन की महारानी की रॉयल्टी देखो। उसने क्या किया, उसने भी वो नींबू निचोड़ा और उसने भी वो पिया। अब उसकी देखा देखी, जितने लोग 20 25 50 लोग बैठे हुए थे, सभी ने वो नींबू निचोड़ा और पी लिया। अब मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात, उस समय पर अगर वो ब्रिटेन की जो महारानी थी वो अगर ऐसे ऐसे करना शुरू कर देती तो वो बेचारा कितना अपने आप को छोटा महसूस करता कि देखो यार ये तो हाथ साफ करने का था और मैंने पी लिया इसको,
लेकिन ये होता है बड़प्पन, ये होता है बड़प्पन। चाहे वो कलयुगी रानी है, लेकिन संस्कार जो है उसे संस्कार राजसी, संस्कार उस आत्मा के राजसी। ऐसे थोड़ी कोई मेहमान आया है, कोई भी आया उसको हम शर्मिंदा करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास किसी की कोई कमी आती है, कोई कमजोरी आती है, उसको हमको कवर करना है किसी तरीके से। अगर हम किसी को शर्मिंदा कर देंगे ना, किसी को हम शर्मिंदा कर देंगे उसकी कमी कमजोरी की, तो वो आत्मा कभी आगे निकल पाती। और जो आत्मा, अगर आप किसी आत्मा को आगे बढ़ाने के निमित्त बनते, अगर आप किसी आत्मा को आगे बढ़ाने के निमित्त बनते, तो वो आत्मा आपको जिंदगी भर दुआएं देती रहेगी। उसके साथ साथ आपके आगे बाबा की दुआएं भी रहेंगी। जो आप कहते हैं बाबा हमारी बात सुनता नहीं, बाबा भी आपकी बात सुनेगा। फिर आप बाबा को बोलोगे ना, तो बाबा भी आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। फिर आप कहोगे कि मैंने है ना बाबा से ऐसा कहा, तो देखो बाबा ने तुरंत कर दिया। बेसिकली आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो हम सबको अक्सर करके भूल ही रहते हैं, हम जन्म जन्म की पुण्य, हम जन्म जन्म की पुण्य, बहुत जन्मों में बहुत पुण्य की, क्योंकि बिना पुण्य किए हुए बाबा के घर में आत्मा आ नहीं सकती। किसी ने कोर्स भी किया है कुछ पुण्य, अभी पिछले दिनों एक भाई आए यहाँ, मैं नहीं था, क्योंकि जितेंद्र भाई कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ पुण्य आत्माएं आती हैं, तो ये सच्ची बात। आपका पुण्य उदय होगा तो योग भक्ति के लिए टाइम मिल जाएगा, आपका पुण्य होगा योग करने का टाइम मिल जाएगा। मैं अगर अपनी बात बताऊँ, जहाँ हम काम करते हैं, जिस जगह पे मैं, जैसे हम इतना काम होता है सुबह से लेकर शाम तक, सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, लोग परेशान रहते हैं सब। लेकिन मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सच्ची बात है, कुछ भी नहीं करता। पूरा दिन बस एक ही काम है, अपनी अवस्था को संभालते रहते हैं और व्यवस्था अपने आप चलती रहती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। ऑफिस जाते हैं आराम करने के लिए, काम के लिए तो घर है, हमारे बॉस हैं घर पे काम कराते हैं। तो ये है कि सच्ची बात है, हम अभी 60 के आसपास होने को आए, खेल में सब काम करते रहते हैं, कोई ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ है, सब कुछ खेल में चलता है। बस अपने मन को संभालते, किसी अच्छे सामान, अब एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब ध्यान तो शरीर पर रहेगा ना, जैसे एक्सरसाइज कर, अब ध्यान तो शरीर पर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे टाइम पे भी कोशिश करते हैं, किसी ने बताया कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, अब ध्यान तो शरीर पर है ना, पवित्र वाइब्रेशन, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, साथ साथ में एक्सरसाइज करता हूँ, ऊपर से शिव बाबा की किरणें। तो हमको जो है ना, जो एक विशेष बात में कहना चाहता है, याद का सबको पता है, लेकिन हमें जो है ना याद को कर्मों के साथ में जोड़ देना, कर्म भी हम करते रहें और याद भी साथ साथ करते रहें, ठीक है ना। इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा, एक्सरसाइज कर रहे हैं, घर के और काम कर रहे हैं, किसी न किसी सम्मान में, किसी न किसी चिंतन में अपने आप को जोड़ रहे हैं। अक्सर करके क्लास कराने के लिए
मुझे कभी अलग से अक्सर करके टाइम नहीं मिलता कि मैं कुछ बना सकूं, कि मैं कुछ पॉइंट्स लिख के उस पर कुछ क्लास करूं, ऐसा कभी मुझे टाइम ही नहीं मिलता। अब मैं नहा रहा हूँ, धो रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, साथ साथ यही सोचता रहता हूँ क्या क्या कर सकते हैं, क्या कर बता सकते हैं, वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं और उसके हिसाब से जो भी मैंने देखा, और कई बार बहुत अच्छा अनुभव भी आता है उस चीज़। तो हमें जो ये हम वेस्ट सोचते रहते हैं, एक तो हमको अपने जीवन से वेस्ट को निकालना, अगर बेस्ट बनना है, बेस्ट बनना, अगर बेस्ट बनना है तो वेस्ट को निकालो, चाहे अपना चाहे दूसरे, वेस्ट को निकालो, किसी के भी अवगुण को मन में नहीं रखना और अपने, किसी के भी अवगुण को मन में नहीं रखना और अपने, अपने अवगुणों का पता होना चाहिए, अपने अवगुणों का पता होना चाहिए। मैं ज्ञान में चलने वाली ऐसी बहुत सारी आत्माओं को जानता हूँ जिनको अपने अवगुण पता ही नहीं चलते, वो हमेशा दूसरों की महिमा करते रहते, फलाना ऐसा फलाना ऐसा, ये काम नहीं। इसके पीछे कारण क्या मालूम, क्या कारण इसके पीछे? देह अभिमान बहुत बड़ा कारण है इसका, कि हमें अपने अवगुणों का पता नहीं चलता। अगर हमें अपने अवगुणों का पता नहीं चलता तो समझो कि हमें देह अभिमान बहुत भारी है, बहुत भारी देह अभिमान। लेकिन अवगुणों को देखकर, अपने अवगुण को देख के दिल शिकस्त नहीं है, अपने अवगुण को देखकर दिल शिकस्त नहीं है, अपने अवगुण को देखकर जहाँ से जो चीज़ मिलती है उसको निकालने का प्रयास करना शुरू करें, वो काम में लगे रहना। जो लोग किसी सकारात्मक काम में लगे रहते हैं ना, किसी ठीक से काम में लगे रहते हैं, वो ठीक से किसी काम में लगे रहते हैं ना, उनको फिर व्यर्थ के लिए समय नहीं मिलता। और आपको मैं एक बात और बता दूँ, जिन लोगों के जीवन में कुछ उद्देश्य होता है, उद्देश्य मतलब अच्छा उद्देश्य, देखो शिव बाबा से बड़ा तो कोई उद्देश्य दे नहीं सकता। अब जिस उद्देश्य को पाने के लिए शिव बाबा ने हमको जो उद्देश्य दिया है, अगर हम वो देखेंगे तो बहुत दूर लगेगा, लेकिन उस उद्देश्य के रास्ते में जो जो छोटी छोटी बाधाएं आ रही, जैसे मेरा तो आवाज़ ही बड़ा है, मैं तो बोल ही नहीं सकती, छोटी सी बात है ना। श्री बाबा कहते हैं आप जोर से बोलते हो, दूसरे समझते हैं झगड़ा हो रहा है, इससे डिससर्विस आपने क्या कर लिया। छोटी छोटी चीज़ों को अपने में सुधार पे चलते हैं, और उसके बाद जो भी छोटी छोटी चीज़ें आप कर लेते हो उसके लिए अपने आप को शाबाशी जरूर दे दी, देखो मैंने ये कर लिया, चाहे वो छोटी सी बात क्यों ना, अगर आपने प्राप्त की है ये आपको आगे बढ़ने में मदद। दूसरे मेरा उमंग उत्साह बढ़ाए नहीं, मुझे अपना उमंग उत्साह खुद बढ़ाते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ पाने के प्रयास में लगे, ठीक है और क्या करना। जो आगे बढ़ना चाहते, जो कुछ करना चाहते, अच्छे कामों में सहयोगी बनते हैं,